हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फरीदाबाद पुलिस ने 4 लोगों की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है और पुलिस ने खुलासा किया है कि मृतक के बेटे के दोस्त ने डॉक्टर के परिवार की हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक जिम ट्रेनर है और उसने ही रात को घर में घुसकर 4 लोगों की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने हत्या के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जिम ट्रेनर के घर से उन्हें एक नोट मिला है जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि उसने ही 4 लोगों की हत्या की और अब आत्महत्या करने जा रहा है। पुलिस ने अभी तक हत्या में प्रयोग की गई स्कूटी, एक मोबाइल फोन और एक बैग भी बरामद कर लिया है। हालांकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो हत्यारों को पकड़ लेगी। आपको बता दें कि फरीदाबाद में शनिवार को एक परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया था। सेक्टर 7 में डॉक्टर, उनकी पत्नी के अलावा बेटी और दामाद की भी चाकू गोद कर हत्या कर दी गई थी। डॉक्टर प्रवीण मेहंदी रत्ता व उसके 3 फैमिली मेंबर्स की कल हत्या हुई थी, तो उसी के संबंध में कमिश्नर साहब ने कल खुद मौका विजिट किया था और क्राइम ब्रांच की सभी टीमों को इसके अंदर लगा दिया था। तो सस्पेक्ट को, 4 सस्पेक्ट्स को हमने आज सुबह क्राइम ब्रांच DLN में बुलाया था, तो उसके अंदर से एक जो सस्पेक्ट था मुकेश सन्नोप रामफल, वो वहाँ पर नहीं आया। तो हमें बाद में उसके घर पर जब रेड मारी गई तो वहीं पर उसकी स्कूटी भी बरामद हुई है और एक नोट भी बरामद हुआ है। स्कूटी के की है और एक बैग भी हमें वहाँ से बरामद हुआ है और ग्रे कलर की स्कूटी थी। CCTV फुटेज में काफ़ी क्लियर था, तो वो स्कूटी उसके घर पे ही थी और उसके भाई की स्कूटी थी वो, जो कि वो लेके गया था। और जो मुकेश है, जो एक्यूज्ड है, जिसने हत्या को अंजाम, इन हत्याओं को, वारदात को अंजाम दिया है, वो जो डिसीज्ड हैं डॉक्टर प्रवीण, उनके बेटे का दोस्त है। किस तरह से शक हुआ इस पे, क्या अरेस्टिंग हुई है, अभी किस पोजीशन में है पुलिस? देखिए, पहले सस्पेक्ट, जैसे हमने बताया, हम सभी एंगल्स के ऊपर काम कर रहे थे काफी, तो उसी में हमें कुछ सस्पेक्ट्स मिले थे और उनको डिटेल इंटरोगेशन के लिए सुबह आज बुलाया हुआ था, लेकिन जब ये नहीं आया तो इसके ऊपर और ज्यादा शक हुआ।